를 모티브로 한 어반 판매 전투신 같은 스펙타클한 막장급 치안을 자랑하는 검은 신령스러운 동물이 눈여겨 볼만한 포인트 혼돈으로 가득한 황폐한 말고도 이제 한국 전설의 Hello friends, आप देख रहे हैं अनंत नव्या वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नव्या. तो आज मैं आपको बताने वाली हूं BTS के नए आने वाले वेबटून 7FATES के बारे में. 7FATES के बारे में सारे आर्मीज ने तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि ये कहां पर रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसमें अर्बन कथाएं क्या है. चलिए देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अनंत नव्या वर्ल्ड. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि BTS का इससे क्या कनेक्शन है और ये कब की स्टोरी है, किस चीज़ पर बेस्ड है, इससे जोसन डायनेस्टी का क्या लेना देना. और इसका ट्रेलर भी आ चुका है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, पर फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक दिखा देती हूँ. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जोसन डायनेसिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, तो मेरा मतलब ये था कि जो जोसन डायनेसिटी के लोग थे वो लोग टाइगर हंटिंग बहुत ही ज़्यादा करते थे. जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं कोरिया में टाइगर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, तो ये लोग उस समय टाइगर हंटिंग बहुत किया करते थे. और उसी टाइगर हंटिंग में एक शैतान मॉन्स्टर कोरियन माइथोलॉजी के हिसाब से बोम नामक एक क्रिएचर था जो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था. वो लोगों को अपना विक्टिम बनाता था. तो इसी के चलते 7 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसकी एक्टिंग BTS कर रहे हैं, और उनके ग्रुप का नाम पड़ा चाकोस. मेनली पता लगा सकते हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड थी. ये स्टोरी उसी गांव शिनशी की थी जहां पे जोसन डायनेसिटी के लोग टाइगर्स को मारा करते थे. ये एक ओल्ड कोरियन फ्लॉक स्टोर है, तो ये सच है कि नहीं ये मानना बहुत मुश्किल है. पर अभी BTS उनका कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, तो अभी हम आगे जानने वाले हैं कि ये मूवी कहाँ पर रिलीज़ होगी, ये मूवी है या फिर कुछ और चीज़ है, वेबटून में होगी रिलीज़, और BTS मेंबर्स के इनमें नेम क्या है. तो चलिए आगे जानते हैं. तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं इसमें बता दूँ, इस सीरीज़ में BTS मेंबर्स के नेम जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे और इनका मतलब भी बहुत अलग होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी वीडियो के. तो इसमें RM का नाम है डोगन, जिन क्वान, शुगा शियन, जिहुक होशु, जिमिन हारू, तेहोंग जुआन, जंगकुक जेहा. सो फ्रेंड्स, ये थे BTS के नेम 7FATES में. अब मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी, जबकि BTS मेंबर्स ने भी अपने इन कैरेक्टर्स का एकदम सटीक मीनिंग दिया है YouTube पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. तो फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, होशु, हारू, डोगन, शियन, क्वान, जेहा, जुआन, इन सब के अलग अलग प्रोफेशंस और मीनिंग है. लेटर ऑन हम वीडियो में जानेंगे कि ये कहाँ पर रिलीज होने वाला है और कब रिलीज होने वाला है. फिलहाल हम जान लेते हैं कि इनका प्रोफेशन क्या है और ये लोग एक साथ चाओस नाम के ग्रुप में कैसे बॉन्डेड हुए. तो अगर हम बात इधर करें जिमिन के कैरेक्टर हारू की, तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट में जिमिन हम लोगों को बता रहे हैं कि उनका कैरेक्टर एकदम ह्यूमन नहीं है. यस दोस्तों, जिमिन का कैरेक्टर हारू ह्यूमन नहीं है. उन्होंने इस बात को साबित किया है, उन्होंने बताया कोरियन अर्बन लेजेंडरी में हारू एक रॉक होता है जो लेटर ऑन ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि बॉम्ब ने उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था. जबकि आप देख सकते हैं कि रॉक टाइप एक होता है एंड ही वॉज गार्डेड बाय द अर्थ, सो ही बिकेम इन ह्यूमन. ही इज अ सुपर नेचुरल बींग, जिमिन ने हमें बताया है. तो अब आगे और मेम्बर्स के देखते हैं हम लोग. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक तो आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी. हम यहीं से रिज्यूम करने वाले हैं वीडियो को. अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी से वीडियो पार्ट 2 आपके लिए लाऊं.